हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट एंड बेला विद अर्पिता। मैं हूँ अर्पिता। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ पैक। यस, पैक लगाना मुझे बहुत ही पसंद है, चाहे वो कोई ब्रांड का हो या फिर घर का। घर के पैक्स मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। और यू नो, आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, आपके फेस में पिंपल्स है, कोई भी यू नो ओपन पोर्स है या फिर कुछ भी आपके प्रॉब्लम है स्किन पे, तो पैक ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको यू नो इंस्टेंट उसको चीज़ को ठीक कर देता है। जो फेस पैक मैं यूज़ करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। करेला आप लोगों ने सुना ही होगा या पता होगा कि बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, हमारे इनर यू नो हेल्थ के लिए। इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है और बहुत सारे यू नो जो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। और धनिया पत्ता भी बहुत अच्छा होता है, इसमें भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसके और सारा बेनिफिट्स बताने वाली हूँ स्किन के लिए ये कितना अच्छा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पैक को बनाने के लिए मैंने लिया है करेला और धनिया पत्ता। देखिए, धनिया पत्ता इतना काफ़ी है फेस के लिए। और करेला भी देखिए, इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। मैंने ग्राइंड करके अच्छे से पेस्ट बना लिया है। उसमें थोड़ा सा मैं हनी ऐड कर रही हूँ। आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हो। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है तो आप कर्ड भी ऐड कर सकते हो, यानी दही। आप इसमें मुल्तानी मिट्टी, बेसन भी ऐड कर सकते हो, या तो आप सिर्फ रोज़ वाटर ऐड करके इस पैक को अप्लाई कर सकते हो। इस पैक को अप्लाई करने से पहले मैंने ममाअर्थ का उबतन फेस वॉश यूज़ किया है। इस फेस पैक को फिंगर से अप्लाई करना इजी होता है, तो आप अपने फिंगर का इस्तेमाल करें। अगर आप बेसन या मुल्तानी मिट्टी इसमें ऐड कर रहे हो तो आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। बिटर गार्ड इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट दैट कीप स्किन हेल्दी एंड नरिश्ड। ये वेजिटेबल एक्ट एज ए ग्रेट फेस क्लेंजर, गिव्स यू ग्लोइंग स्किन। करेला कैन ट्रीट एक्नी, पिंपल्स एंड अदर स्किन प्रॉब्लम्स एंड एलर्जीज ऑल्सो, लाइक इचिंग, रैश एक्सेट्रा। करेला में एंटी फंगल, एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होता है। कोरिएंडर इज रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट, विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन, जो स्किन को सॉफ्ट एंड सफल एंड ग्लोइंग भी बनाता है। बीट एक्नी और पिगमेंटेशन, ऑयल और ड्राई स्किन, पिंपल्स और ब्लैक हेयर्स, कोरिएंडर जूस वर्क लाइक मैजिक। तो इस पैक को आप इसी तरह 3 मिनट तक अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई करते रहे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर आप बेसन मुल्तानी मिट्टी इसमें ऐड करे हो तो आप डायरेक्ट ब्रश से लगा के आप 20 मिनट्स तक इसको रख सकते हो, पर मैं इस जूस का पूरा फ़ायदा लेना चाहती हूँ तो इसको मैं लगातार 3 मिनट तक इसी तरह से अप्लाई करती रही। और उसके बाद 20 मिनट के बाद मैंने इसको वॉश किया है। अगर आप चाहो तो इसको एक बार अप्लाई करने के बाद 10 मिनट्स के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो। मैंने 20 मिनट के बाद वॉश कर लिया है और मेरा फेस बहुत ही क्लीन दिख रहा है। Seriously, this pack work like magic. You can see my skin, it's glowing and मेरा skin इतना soft हो चुका है और मुझे इतना fresh भी लग रहा है। I'm really happy with this pack. सो आई होप आप ये पैक ज़रूर ट्राई करेंगे अपने घर पे, क्योंकि ये जो सामान है ये सबके घर में अवेलेबल होता ही है। ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा है ये वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय।